झारखंड में इंजीनियरों के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। जी हाँ, सहायक अभियंताओं के 300 पदों पर बहाली होगी। सहायक अभियंता यानी असिस्टेंट इंजीनियर, वो भी जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा ये वैकेंसी निकाली जाएगी। इसके लिए पथ निर्माण विभाग ने करीब 300 सहायक अभियंताओं के पद पर सीधी भर्ती के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी को प्रस्ताव भेज दिया है। राज्य में सहायक अभियंताओं के 747 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 490 पदों पर जेपीएससी के माध्यम से सीधी भर्ती की गई है। इनमें से केवल 150 पदों पर सहायक अभियंता तैनात हैं। सीधी भर्ती वाले रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए जेपीएससी को प्रस्ताव भेजा गया है, यानी 300 पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए एमई एमटेक या बीटेक यानी इंजीनियरिंग में जिन्होंने स्नातक किया हुआ है उसके लिए बहाली होगी और 21 से 35 वर्ष इसकी उम्र सीमा है। हालांकि ओबीसी और एसटीएससी को उम्र सीमा में छूट मिलेगी। बाकी झारखंड के ही कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं और आरक्षण संबंधित जब वैकेंसी आएगी तो उसमें सारे आरक्षण और कैंडिडेट्स बाहर के होंगे कि नहीं सारी प्रक्रिया होगी, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने पर उसको यूट्यूब चैनल पर रखने का काम करेंगे। अभी आप इतना ही समझ लें कि 300 पदों पर असिस्टेंट इंजीनियर की बहाली होगी। जो बीटेक एमई एमटेक किए हुए कैंडिडेट्स अपनी तैयारी को धार देना प्रारंभ कर दें। 1000 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था पिछली बार। अभी हम दिखाते हैं कि कितने मार्क्स का पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था और किस प्रकार से पिछली बार सिविल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर के लिए एप्लीकेशंस आया था, एप्लीकेशंस किया था कैंडिडेट्स ने, उसकी बहाली भी हुई थी। देखते हैं उसका सिलेबस थोड़ा सा। सिलेबस इस प्रकार से था सिविल इंजीनियरिंग के लिए। जनरल एबिलिटी टेस्ट, पार्टी में जनरल इंग्लिश, पार्ट बी में जनरल स्टडीज। उसी प्रकार सिविल इंजीनियरिंग पेपर 1 और सिविल इंजीनियरिंग पेपर 2, ये ऑब्जेक्टिव पेपर्स में था सेक्शन 1 में, और सेक्शन 2 में कन्वेंशनल पेपर है। सिविल इंजीनियरिंग पेपर 1 और सिविल इंजीनियरिंग पेपर 2 सभी एग्ज़ाम्स 2 आवर्स के हैं ऑब्जेक्टिव में, और सेक्शनल में 3 आवर्स के। इस प्रकार सभी पेपर में 200 मार्क्स हैं, टोटल 1000 मार्क्स है। इसी प्रकार मैकेनिकल इंजीनियर में भी सेम है, यहाँ पे सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग पेपर 1 पेपर 2 के जगह मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेपर 1 और पेपर 2 है। बाकी पासिंग मार्क्स भी निर्धारित किए गए हैं सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग। सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, पिछड़ा वर्ग एनेक्सर 1 के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति और महिला वर्ग के लिए 32%। अंतरविच्छा के लिए उपरोक्त न्यूनतम अर्थांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा इंटरव्यू में जाने के लिए, सीधी नियुक्ति होती है ये। और 40% जो जिनका विकलांगता है, निःशक्तता है, उम्र में 5 वर्षों की छूट है। अनारक्षित के लिए 35 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा और न्यूनतम 21 वर्ष है, और पिछड़ा वर्ग के लिए 37, महिला के लिए 38 वर्ष, और अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष महिला दोनों के लिए 40 ईयर है। इस प्रकार से वैकेंसी की पहले वाली वैकेंसी 2018 की ये बातें हैं, और सभी सिलेबस भी आप इसको डाउनलोड करके जेपीएससी की वेबसाइट से समझ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। हालांकि ऑफिशियल वेबसाइट में नोटिफिकेशंस आने पर वहां सारी जानकारी दी रहेगी और उसी को लेकर चलना है, क्योंकि नई में कुछ चेंजेस भी आ सकते हैं। तो इस प्रकार के पल पल के अपडेट के लिए जेपीएससी से संबंधित और जेएसएससी से संबंधित, साथ ही एसएससी बैंक की रेलवे से संबंधित पल पल के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।